देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की पहचान है विकास। विकास की इस कल्याणकारी सोच को रफ्तार दी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने और उसे सहयोगपूर्ण संबल दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। प्रदेश को केंद्र की सौगात है बेजोड़ 4 लेन और 287 किलोमीटर लंबा रीवा से लखनऊ दौन तक का नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो रीवा से मां शारदा की नगरी मैहर कटनी और आगे संस्कारधानी जबलपुर से NH44 लखनऊ दौन तक जाता है। मध्य प्रदेश के अपूर्व विकास की डगर पर पूर्ण हुई सड़क परियोजनाएं हैं भोपाल से सांची 54 किलोमीटर 2 लेन, सांची से सागर 94 किलोमीटर 2 लेन, ब्यावरा से पचौर, सारंगपुर, शाजापुर व मक्सी होते हुए देवास तक 141 किलोमीटर 4 लेन, ग्वालियर से शिवपुरी मार्ग पर नया गांव से सतनपाड़ा 97 किलोमीटर 4 लेन, ग्वालियर से शिवपुरी सेक्शन में 4 लेन मुहाना सिमरिया टेकरी से हरिपुरा, भोपाल में लाल घाटी से मुबारकपुर 8 किलोमीटर 4 लेन की सड़कें। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्मित 2 लेन के 4 मार्ग पूरे किए जा चुके हैं जो हैं सांची से सागर, रीवा से सिरमौर, सागर से छतरपुर व खिलचीपुर से जीरापुर मार्ग। यही नहीं NHAI द्वारा 4 लेन की 138 किलोमीटर लंबी 4 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें शामिल हैं इंदौर हरदा बैतूल रोड पर ननासा से पिंड गांव मार्ग, हरदा से टेम गांव मार्ग, चिचौली से बैतूल और 4 लेन वाला 20 किलोमीटर लंबा कटनी बाईपास और तो और 172 किलोमीटर की 6 मार्ग सुदृढ़ीकरण योजनाएं भी जल्द साकार होंगी। केंद्र की सेतु भारतम योजना में कटनी बीना सेक्शन के जरई में 4 लेन, जरुआ में 2 लेन रेल ओवर ब्रिज व 8 पुल भी प्रस्तावित हैं। ये सड़कें और ये पुल मध्य प्रदेश के अनवरत विकास की नई दास्तान लिखेंगे और राज्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे।